आजकल कई हर कोई होता है, लाइक यू नो द थिंग इज आई थिंक देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल दीस डेज, पीपल हु हैव अ वेरी एक्टिव लाइफ ऑन ट्विटर एंड फेसबुक एंड पीपल हु हैव अ वेरी एक्टिव लाइफ. मेरे ज्यादातर फ्रेंड फर्स्ट कैटेगरी में, लाइक कुछ भी होता है शुरू हो जाते हैं ट्विटर फेसबुक पे शुरू हो जाएंगे, यू नो अर्थक्वेक दिल स्टार्ट, यू नो दिस थंडरस्टॉर्म दिल स्टार्ट, यू नो दिस रेन दिट विल स्टार्ट. लाइक मुझे लगता है आधी ग्लोबल वार्मिंग भी इस चक्कर में हो रही है, बिकॉज रिसेंटली आई वाज इन बैंगलोर और बैंगलोर में हम थे तो हल्की सी बारिश हुई बंद हो गई, मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कि भगवान ने थूका और छोड़ दिया. एंड आई थिंक समवेयर गॉड इज ऑल्सो यू नो फेड अप ऑफ ऑल दिस, कि यार मैं कुछ शुरू करने लगता हूँ तुम साले शोर पहले मचा देते हो. सो ही इज ऑल्सो लाइक, तू एक और स्टेटस अपडेट आया ना मिट्टी की खुशबू वाला सालो. सारा सीजन सूखा रखूंगा तुमको मैं. लोग शुरू हो जाते हैं किसी भी चीज पे, लाइक दिस अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी ट्वीटेड देयर वाज एन अर्थक्वेक इन यू नो इन दिल्ली एंड शी ट्वीटेड oh my god the building is shaking, I think I'm going to die. And I'm thinking if the building is shaking and you are tweeting rather than running for your life, kind of made the choice, right? Aur ye ek fayda hai, dekho Facebook Twitter ka ek fayda hai ki aajkal now you don't have to meet somebody to figure out whether they are stupid or not. Status update se pata chal jata hai logon ke. Like, लोग होते हैं उनका स्टेटस अपडेट आएगा फादर इज लाइक अ बरगद का पेड़, रूट्स इन द ग्राउंड एंड छाया ऑल अराउंड, इफ यू लव योर फादर लाइक दिस. आई एम लाइक, मेरे को मेरा बाप पसंद है पर तू नहीं पसंद. अलग लेवल के. फिर एक होते हैं वो लौंडे, लौंडे होते हैं, लौंडे होते हैं वो जो जिनकी फोटो होती है, मतलब वो क्या 18-19 साल के लौंडे जो जिम ज़्यादा जाते हैं और कॉलेज कम, उनकी डीपी ऐसे होती है एक हाथ से बनियान उठाई हुई है, दूसरे हाथ में उनके कैमरा है जिसे खींचा हुआ उन्होंने फ़ोन वाला, बेसिकली उन्होंने पैक 6 बना लिए, दोस्त एक नहीं बनाया जो फोटो ले सके. There's a cousin of mine like that. Uska status update aaya, don't judge me. Bas. And I'm like, is status update se pehle koi tere pe thook bhi nahi raha tha. Par ab tune dal diya, sabko pata chal gaya tu gadha hai. Fir kuch fayde bhi hote hain. कुछ फ़ायदे होते हैं, लाइक जैसे हमारे घर में डोमेस्टिक पीस हो गया फेसबुक के कारण, क्योंकि मेरी मम्मी फेसबुक पे चली गई है. बड़ा फर्क पड़ गया, लाइक यू नो नाउ शी डजंट जज माय वाइफ, शी जजेस एवरीबडीज वाइफ. अब उन्होंने देख लिया कि सिर्फ मेरी बहू ही नहीं है जो गोवा जाके निकरे पहन के फिरती है. बट होते हैं इश्यूज भी होते हैं फेसबुक पे. एक बहुत बड़ा इशू जो है ना फेसबुक का, वो ये है कि जब से फेसबुक आया ना, लाइफ एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया. राइट, लाइफ एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि तुम फेसबुक पे जाओ लगता है यार सारे पार्टी कर रहे, सारे घूमने गए हुए हैं, सबकी बीवियां उनको प्यार करती हैं, मैं ही बेवकूफ हूं घर बैठा हूं. एक मेरा फ्रेंड, उसकी 16th मैरिज एनिवर्सरी, उसने फेसबुक पे डाला हुआ, डियर वाइफ यू आर माई रॉक ऑफ जिब्राल्टर, आई डोंट नो वेयर आई वुड हैव बीन विदाउट यू, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ऑलवेज, यू ऑलवेज बीन देयर. एंड आई एम थिंकिंग, 3 दिन पहले शराब पी के तू ही साले रो रहा था मेरे सामने. और प्रॉब्लम क्या है, वो मेरी वाइफ के साथ भी फेसबुक पे कनेक्टेड है और 2 महीने बाद मेरी मैरिज एनिवर्सरी है.
और मुझे पता है जिस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी होगी 12:01 पे मेरी वाइफ होगी फेसबुक पे चाल चलो ठाकुर क्या मिला तुझे। बट लाइफ एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया है, लाइफ एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया, तो आजकल क्या घूमने जाना पड़ता है। जब हम छोटे होते थे राइट, घूमने जाना पड़ता है फेसबुक के चक्कर में राइट। हम गर्मी की छुट्टियों में जाते थे नानी के घर, हर साल नानी के घर जाना, 10 साल वापस आके ऐसे लिखना होता था कहाँ घूमने गए, 10 साल करनाल लिखा है मैंने। लाइफ वॉज ईजी, आजकल क्या है ये फेसबुक के चक्कर में जाना पड़ता है घूमने, और तुम कहीं भी चले जाओ लोग जीने नहीं देते तब भी तुमको, क्योंकि तुम शिमला जाओ कोई ना कोई गोवा की फोटो डाल देता है, आदमी गोवा जाता है कोई ना कोई सिंगापुर की फोटो डाल देता है, तुम सिंगापुर चले जाओ कोई यूएस की फोटो डाल रहा है। मैं इसी चक्कर में यूएस नहीं जा रहा, मैं जिस दिन यूएस चला गया मुझे लगता है कोई ना कोई मेरा दोस्त साला चंद्रमा की फोटो डाल देगा। और फिर क्या, चलो कुछ लोगों के पास पैसे हैं वो बन सकते हैं टूरिस्ट, वो घूम सकते हैं, फिर कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है पर वो खुश दिखना चाहते हैं, वो बनते हैं एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर वो होते हैं जिनका स्टेटस अपडेट आता है फेसबुक पे 10 किलोमीटर बिफोर शिमला, दिस लवली कच्चा रोड विच गोज टू दिस ऑसम विलेज कॉल्ड खामखा Which is in the middle of nowhere. Middle of nowhere का मतलब है वहां बिजली नहीं आती और तेरे को 250 रुपए में कमरा मिल गया था। फिर होते मैराथन रनर्स, एनी मैराथन रनर्स इन द रूम है, ये मैराथन रनर ना, तू एक बात बता मेरे को, तू सुबह 6 बजे जंगल में भाग रहा है, तुम्हारी ये वाली फोटो कौन लेता है रोज, रोज नहीं डली हुई होती है यार। फिर होते हैं फूड फ्रीक्स, फूड फ्रीक्स वो होते हैं जो खाने की फोटो डालते हैं राइट, खाने की फोटो डालते हैं। और मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं वेट लूज करने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, और वेट लूज करने का एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल होता है कि शाम को 7:30 के बाद मत खाओ राइट। जो हाँ कह रहे हैं उन्होंने अपने आप को देखा, प्रॉब्लम क्या है हम सबको पता है पर करता कोई कुछ नहीं। लाइक जनरल मोटर्स की डाइट का प्रिंटआउट भी लेके आते हैं, फिर देखते हैं 3 फ्रूट इस मौसम में मिलेंगे ही नहीं, हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। इवन व्हेन वी गेट ऑन द वेइंग स्केल वी आर लाइक 4 किलो तो कपड़ों का होगा, कल से पॉटी भी नहीं आई वैसे, अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। बट द थिंग इज शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, तो आदमी 7 बजे डिनर कर लेता, 8 बजते 9 बजते 10 बजते 11 बजे आदमी सोने लगता है, 11:15 बजे लास्ट टाइम बेड पे बैठ के आदमी फेसबुक पे मत्था टेकता है। राइट, एक बार तो चेक करते हैं ना कि मेरे से ज्यादा कोई खुश तो नहीं है। और तब निकलती है इन फेसबुक ये फूड फ्रीक्स की फोटोग्राफ्स, उन्होंने फोटो डाली होगी बिट्टू टिक्की वाला की टिक्की है, एकदम धुआं निकल रहा है, दही डली हुई है, चटनी डली हुई है, नो ऊपर अनार के दाने भी हैं, छोले भटूरे एकदम फूले हुए एकदम करारे, चिक्कड़ चने साथ में और चटनी वाले प्याज, सुन के भूख लग रही है ना। तुम सोचो जो आदमी 4 घंटे से भूखा हो उसका फोटो देख के क्या हाल होगा। इन कमीनों के चक्कर में आदमी रात को 12 बजे उठ के मैगी बना के खा रहा होता है।